हाय गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, पिछली वीडियो में हमने जाना था, इधर आ रही होगी, कि हम जूम ऐप की बेसिक्स को कैसे सीखें, उस पर आईडी बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस पर एक शेड्यूल बनाना। आज हम सीखेंगे कि किसी भी मीटिंग को लॉन्च कैसे करना है उसके अंदर, और उसके काफ़ी सारे बेसिक्स जो कि मैंने इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना, ओके। और यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर देना और लाइक के बटन को दबा देना। बाकी ऑल द बेस्ट, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर हम अपना WhatsApp ओपन कर लेंगे। ये देखिए, मेरे को लिंक आया हुआ है, ओके। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये Zoom ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर प्रिपेयरिंग मीटिंग दिखाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ अपना, अनस, ओके। कनेक्टिंग दिखाएगा, उसका थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद ये आप देखिए, यहाँ पर ये इंटरफेस दिखा रहा है, वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, इस तरीके का भी दिखा सकता है, यानी कि होस्ट ने मीटिंग स्टार्ट नहीं की होगी, या फिर आप अभी वेटिंग रूम के अंदर हैं। अब देखिए, होस्ट जैसे ही मेरे को वेटिंग रूम से अंदर लेंगे ट्रेनिंग के, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा जो कि आगे होने जा रहा है। अब देखिए, लोडिंग हुई, मैं रूम में एंटर हुआ, प्रिपेयरिंग मीटिंग दिखा रहा है। अब देखिए, मैं मीटिंग के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब अगर मेरे को ऑडियो सुननी है जो कि होस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग को, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वाईफाई और कैनवा डाटा पर, मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो मेरा माइक है, ये ऑलरेडी म्यूट हो जाएगा, या फिर अगर म्यूट नहीं है तो आपको म्यूट करना है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अप्लाइन जिसने आपको लिंक सेंड किया है, वो आपको कॉल कर देता है मीटिंग के टाइम पर, जब आप एंटर हो चुके होते हैं, तो ये जो स्पीकर देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके का हो जाता है जब कॉल आती है। तो ध्यान रखें, जब आपने कॉल कट कर दी हो, तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना कि ये ऐसा तो नहीं है, वरना तो आपको सब कुछ करने के बाद भी ऑडियो नहीं आ पाएगी ट्रेनिंग की। तो ध्यान रखें, ये ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब है कि ऑडियो, इसका मतलब है नो ऑडियो। ऑल द बेस्ट। सो होप सो आपने वीडियो देख ली होगी, और यहाँ तक आई गए हो तो देख ही ली होगी। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकती हैं, तो उनको ज़रूर चेकआउट करना। और यार, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, जब आप मेरे को वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो कि सर हमें नेक्स्ट इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और जल्दी ही हम 10K सब्सक्राइबर्स को हिट करेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।